सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं सानी उठेती उत्तराखंड से अपने चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ पसंद। अरे हॉस्पिटल में वहाँ चिंता मत थी, मैं कहाँ बनाती ब्लॉग। यहाँ पे लगे हैं पेड़ में सेब लग रखी हैं, देखो कितने सेब हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 सेब लगी है। और ये फिर से आ गई है ककड़ी की बेल, इसमें लग रही है ककड़ी। और ये हो रहे हैं मक्के, अभी हुए नहीं है ये मक्के, इसको होने में भी टाइम लगेगा, फिर खाएंगे। लेकिन यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा है, बंदर भी खा लेते हैं इन मक्कों को। अभी धूप बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ, दिन में तो बारिश थी, पता नहीं क्या था, मैं तो चंपावत थी, लेकिन अभी धूप सही हो रही है। ये है पिनालू, आप लोगों के वहाँ क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, हमारे वहाँ कहते हैं इसको पिनालू। और इसके गावे होते हैं ना, आजकल इसके गावे की सब्जी भी खाते हैं, जो ये होते हैं ना, दिखाओ मैं आपको ये चीज़, जो ये गावे होते हैं इनको तोड़ के इसकी सब्जी बनाई जाती है। इसमें मूली डालो और सब शिमला मिर्ची डालो, वो डाल के इसकी सब्जी बहुत अच्छी होती है। यहाँ है मुर्गिया, अपना चारा बना रही है। गाइस आज मैं इतना घास काट के लाई हूँ, इतने मुट्ठी बना के रखे मैंने, 1 2 3 4 5 6 इतने मुट्ठी काट के लाई हूँ, और एक फच्चा बना के लाई हूँ, इतना घास काटा है मैंने आज। गाइस इसमें बना रही हूँ मैं कन्ना, अभी गर्म पानी हो रहा है तो इसमें अभी चावल डालेंगे, उसके बाद गाय के लिए भोजन होगा इसमें तैयार। गाय देखो इसके नीचे कितनी सारी ककड़ियाँ लगी हैं, ये ऊपर है टेंट ऐसा बना रखा है, बेल है नीचे को ककड़ियाँ लटकी हैं, उसके नीचे शिमला मिर्ची है, दो दो तीन तीन काम हो रहे हैं ककड़ियाँ देखो। गाय देखो इसमें कितने सेब हो रहे हैं, एक दाना 2 3 4 5 6 7 8 दाने तो हो ही रहे हैं इसमें सेब की। आज मैं दिखाती हूँ आप लोगों को गाय, खटिया है झाड़, खटिया झाड़ बाबा कज्जो बनाया जी, तो मिल तो झाड़ आ रही हो। अमा ने उतना घास काट दिया है, वो देखो बहू के लिए सूख कर दिया घास काट के, ये मूठे बना रखे हैं घास के लिए, गाय को मच्छर न लगे तो उसके लिए धुआं जाने के लिए। अब बनाती हूँ मैं घर जाके इसकी सब्जी बनाती हूँ, ऊपर से लेके आई हूँ। आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिएगा, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।